सुंदर आपका दिखता काफी ना। देखिए बताया था राइटिंग में क्या होता है, लिखने में मात्र सिर्फ एक चीज है, अगर गलतियां नहीं है तो अक्सर सुंदर रहेगा। राइटिंग अगर तो राइटिंग पहले इंप्रूव कर लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो अच्छा लड़का दिखता है, मतलब कोई लड़का है सुंदर है तो सब बात करना चाहेंगे, दांतों दिखा दो पियर पियर तो बात करिए। पहले भी जो बताया था नहीं बात करेगा, कोई नहीं बात करेगा। एक सुंदर लड़का है बाकायदा बार और हैंडसम झारे है, जूता मोजा पहने, नया नया ट्यूब ट्यूब दिखा था, मतलब सबसे बात करना चाहेंगे, सब हाथ मिलाना चाहेंगे। तो यही होता है राइटिंग। राइटिंग इज द फेस लाइक योर बॉडी, फेस चेहरे की तरह होता है, चेहरा सुंदर दिखता है, अच्छे तरीके से सब बात करना चाहेंगे। भाभी चलो चलने दे, पता नहीं चल रहा है तो ना ही क्यों बात करें। और मेरे जी तो क्या हाल चाल है, मैं आपका दोस्त आपका भाई आपका सर भाई जाते सर की गुना स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन ऑफ बीए। जनरल या लिटरेचर सभी में ये रूल फॉलो होते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले कि ये चार पॉइंट हम देते हैं आपको, एक एक पॉइंट बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, वो लाल वाला बटन जो सब्सक्राइब दिखता है ना वो दबा दिया करिए और शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों को। क्योंकि जान लीजिए हम क्या बताएं, 6A मोबाइल हमारा, ये हम अपने भैया वाले मोबाइल से मांग कर बनाते हैं रोज आप लोग के लिए, इतना करते हैं। तो आप लोग शेयर कर दिया करिए बस 5 लोगों को, और उनसे कहिए कि वो 5 को शेयर कर दे धीरे धीरे, इतना मेहनत कर जान लीजिए। इतना क्रिटिकल कंडीशन इसमें हम व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम भी नहीं चला सकते, क्योंकि रेटिंग वाला कुछ इतना ऐप आ गया है कि वो हाई लेवल का रहता है, ये 2 GB का रैम है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं, आप लोग प्यार मोहब्बत देंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, बस आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है, वी नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा बाबू नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये टॉपिक से याद रखना है एक्सप्रेस पॉइंट, मतलब कि देखिए सबसे पहले एक चीज हम डिफाइन करेंगे एक्सप्रेस पॉइंट होता क्या है। इसे कुछ लोग लिखना चालू किए, पूरा पेपर है, पेपर में कॉपी है, कॉपी में लिखना चालू कर दिए, तो सबसे पहले यहीं देखिए डाल लिए आंसर नंबर लिखना चालू कर दिए, उसके बाद चाहे जो आराम आराम लिख रहे हैं तो क्या हम महीने पहला डाल दिए, तो छोटा सा डालकर आप गलत कर रहे हैं, ये रूल गलत कर दीजिए, आप मत लिखिए ऐसा लिखने से छोटा सा कहीं दिखेगा ना। उसके बाद क्या करते हैं, ये लिख दिया, अब दूसरा आप बड़े हो गए हैं थोड़ा बीए फर्स्ट ईयर में, थोड़ा अलग मॉडल लिखिए एक्सप्रेस अच्छे तरीके से करिए। आईएएस में एक लड़का टॉप किया है, वो ना एकदम हायर लेवल का एकदम तेज तर्रार था, ना ही कमजोर था, मीडियम का, वो टॉप कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या जानते हैं, बाय द रीजन ऑफ द ओनली राइटिंग मेथड, उसका राइटिंग पॉइंट बहुत अच्छा था, वो कहाँ लिखना है, कितना सुंदर लिखना, कैसे लिखना उसको पता था। तो अगर आपको वही चीज पता हो जाएगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक्सप्रेस पॉइंट, तो अब कभी डालना है हमें आंसर नंबर, तो आंसर नंबर यहाँ डालेंगे आंसर नंबर। उसके बाद मान लीजिए पहले का हम लोग भी लिख रहे हैं, तो पहले का भी इस तरीके से डालिए, ये वाला तरीका। फिर इसके बाद क्या करिए, क्या करना है, ये जो है डंडा पटरी है तो खींच दीजिए, उसके बाद से लिखना चालू करिए जो भी लिखना है आप। तो क्या करते हैं बच्चे, यट्टू भी लिख दिए, उसके बाद यही छोटी छोटी गलतियां दिक्कत हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, यहीं से है बिना लाइन छोड़े, यही लिखे हैं यहीं से लिखना चालू कर देते हैं। मान लीजिए लिखना हमारी, ये लाइन है, यहीं से लिखना नेम एज, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये गड़बड़ लग रहा है। आपको दो लाइन फिर से देखिए, ये जो है यहाँ से एक पहले छोटा खींचिए फिर एक बड़ा खींचिए, फिर आप दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, फिर यहाँ से लाइन एक लाइन और छोड़ दीजिए, जितना आप भरेंगे उतना लगेगा टीचर को कि वाह लड़का अच्छा होशियार है, वो समझदार है कैसे हमको लिखना है क्या करना है, तो अट्रैक्टिव दिखेगा। और इसका एक और तरीका होता है, ये लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप, और एक और तरीका इसका ये भी कर सकते हैं, इसका तमाम तरीका होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ज्यादा अट्रैक्टिव ये लगता है इसे करके, ये पहले का भी कर रहे हैं, ये होता है एक्सप्रेस पॉइंट। तो आपको आशा करते हैं ये बहुत बेहतर समझ में आएगा। और दूसरा पॉइंट आता है हमारा राइटिंग मेथड, ध्यान सुनिए राइटिंग मेथड होता क्या। सबसे पहले क्या किए बच्चे, यही लिखने का, मान लीजिए लिखना चालू कर दिए सबसे पहले, तो लिखना कहाँ से चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, सबसे पहले मान लीजिए यही है हमारा, यही यहाँ से लेकर हम राइटिंग मेथड, मान लीजिए कोई हेडिंग डाल दिए, हाँ कोई हेडिंग डाल दी, तो ये है, तो क्या हम मान लीजिए हमारे ऐसे लिखते हैं, हमारे आवर कंट्री
नेम, फिर उसके बाद क्या किए, यहाँ से ये पूरा पन्ना खत्म हो गया। पन्ना खत्म हो तो क्या होता है, इस लाइन को कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ से लिखना चालू कर देते। तो ये लाइनियाँ मत छोड़िए, इसको भी कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ से लिखकर कंप्लीट कर देंगे, फिर यहाँ से लिखना चालू कर देंगे। फिर उसके बाद और बात करते हैं राइटिंग मेथड में। राइटिंग मेथड में ये आता है कि जैसे वर्ड्स कहा जाते हैं कि 150 वर्ड में, 250 वर्ड्स में, तो वही हम बताने वाले थे राइटिंग मेथड में क्या लिखना है। ये सब तो बात की बात है, इसे लिखा करिए। तो राइटिंग मेथड में जैसे कुछ मान लीजिए हमारे पास है 4 हेडिंग या 5 पकड़ लीजिए, 250 वर्ड में कह रहा है जो क्वेश्चन, 250 वर्ड में जो क्वेश्चन कह रहा है, तो अगर 5 हेडिंग है तो कितना कितना वर्ड लिखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे लिखा जाए। कुछ बच्चे यही कंफ्यूज करके पूरा विदाउट हेडिंग लिखते चले जाते हैं, वही नंबर कटता है उनका। टीचर जानता है कि लड़का कुछ पढ़ा ही नहीं, तो हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाना जरूरी होता है, हेडिंग से आपका 2 नंबर काट लेते हैं, इसलिए एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर हेडिंग लिखेंगे। तो हेडिंग मान लीजिए लिखिए 250 वर्ड में लिखना है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 बनाए दें, 2 में लिख दें 50 वर्ड लिखेंगे तो 100 तो होगा, 100 तो होगा। तो आपको क्या करना है, राइटिंग हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको बांटना है। अगर आप 5 हेडिंग बनाते हैं तो 50 रहेगा, 50 वर्ड लिखना पड़ेगा, तब 250 होगा। अगर आप वही मान लीजिए आप 2 सिर्फ बनाते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा 125 का। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप हेडिंग बनाते हैं, तो बस उसी के कारण डिवाइड कर देंगे उसको। अगर मान लीजिए हाँ, फिर दूसरा मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, हाँ 150 वर्ड का आ गया, तो आपको क्या करना, मान लीजिए आप 5 हेडिंग बनाए हैं तो 30 वर्ड लिख देंगे। ये था राइटिंग मेथड, तो कैसा लगा ये बताइएगा। फिर उसके बाद चौथे तीसरे नंबर पे आता है आपका डू नॉट मिस्टेक। ये क्या कहता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं बाबू जानते हो, सबसे पहले डू नॉट मिस्टेक मतलब कि गलती नहीं करना। क्या करते हैं, यहां से लिखिए आवर, मान लीजिए आवर कंट्री, हाँ लिख दिए, कुछ गड़बड़ हो, दादा जी, अरे दादा, ए बाबू, जब तक एक बंदूक ना बनाए दे तब तक छोड़े ना है, हाँ फिर इसे लाइक इसे गन मशीन बनाओ था, या देखो बंदूक गलत है, क्यों ऐसा करते, इसके गलत तरीका है, आपका गड़बड़ हो गया ना बाबू, तो आप गड़बड़ मान लीजिए ये वर्ड गड़बड़ हो गया, तो इसको मान लीजिए कंट्री लिखने जा रहे थे, हाँ आर मान लीजिए भूल के वाई लिख दिए, तो यहाँ क्या करना, इसको कट कर देना है। एक तरीका ये हो गया। फिर दूसरा तरीका क्या हुआ, तो यहाँ से लेकर मतलब ये गलत है, तो यहाँ से लेकर ये कट पॉइंट लगा देंगे, तो ये तरीका होता है, यहाँ आप देख सकते हैं इसे कट पॉइंट। उसके बाद ये डू नॉट मिस्टेक से क्या रहता है कि अगर आप बहुत खराब लिखे हैं तो टीचर क्या कहेगा, टीचर कहेगा देखो कितना गलत, तो इसका मतलब कि उसके अंदर कन्फ्यूजन है, तो बार बार गलती कर रहे हो। कन्फ्यूजन नहीं होता आप क्लियर लिखते तो अच्छा नंबर, एकदम स्पष्ट रूप से आप अच्छा नंबर पा सकते हैं, सुंदर दिखाई देगा। गड़बड़ रहेगी बताइए, कोई भी चीज में बार बार गलतियां होती है तो अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से हमें अच्छा लिखना है तो सबसे पहले हमको कट पॉइंट नहीं करना है, राइटिंग डू नॉट मिस्टेक, कभी गलती नहीं करना है, याद रख के जान लीजिए, राइटिंग के साथ और नेवर मिस्टेक के साथ। और उसके बाद ये पॉइंट है, गलत हो गया तो इस तरीके से करिए, या एक पॉइंट कर दीजिए, या तो कटे पे ना करो, चेकिंग नहीं करे जाते। और ये बात याद रखिए कि बाबू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप बढ़िया से बढ़िया कितना भी हो, अगर बड़ा क्वेश्चन है ना, बड़ा क्वेश्चन, तो आगे से 3 लाइन 4 लाइन बढ़िया से पढ़िए, याद रखिए, उसके बीच में ना उसी से रिलेटेड कुछ भी बना के लिखिए, अंदर कोई नहीं पढ़ने जाता। नंबर एक ये जान लीजिए ट्रिक है, याद रखिए, कोई बताता नहीं। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे फॉलो करेंगे हम, चौथे नंबर पे आता है never leave anything, मतलब कि कुछ नहीं छोड़ कर आना है, कुछ नहीं छोड़ जाओ बाबू। देखो कोई भी टॉपिक बारे में मान लीजिए कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन को लिखना है, तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में कुछ समझ जाए, तो जिस लेसन का पूछेगा उसी का लिखना रहता है, तो उस लेसन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, 2 लाइन 3 लाइन बनाकर लिखिए, ऊपर हेडिंग बनाइए। इंट्रोडक्शन तो पहले बताया ना क्रिटिकल अप्रिसिएशन, अगर आप नहीं देखें तो जाकर वहां देख लीजिए, फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहता है, फिर इंट्रोडक्शन में थोड़ा लिख दीजिए, उसके बाद हेडिंग बनाइए, जैसे ट्रू लव, अबाउट द पोएम, थीम, सेंट्रल आइडिया, क्या क्या कहा है उसमें, बाकायदा हेडिंग बताए थे, हेडिंग तो वहां लिखते रहिए, आप नहीं देखे तो वहां जाकर देख लीजिए। तो कभी छोड़ कर नहीं बाबू, कुछ नहीं छोड़ कर आना है बाबू आपको, मेरे लाला कुछ नहीं छोड़ कर जिंदगी में, अगर चाह चुकी तो बताओ सादे को कोई नंबर देगा। हम बता दे अपना एक्सपीरियंस, केमिस्ट्री में हम एकदम जान लीजिए एकदम 0 थे। केमिस्ट्री में क्या किए कि जितना भी थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल पॉइंट लिखने वाला पूरा कर लिए, पूरा थ्योरी वाला कर लिए, और जो सवाल वाला क्वेश्चन वाला वो तो छोड़ दिए। तो क्या किए जानते हो, जितना भी था
उसके बारे में कुछ बना बना के इसे चाहजुन सूत्र उत्र ट्रिक व्रिक लिख दिया उसी में कि जेड एन वन प्लस एस टू एस ओ फोर एक मार के पता नहीं क्या कहते हैं उसको गिब्स कहते हैं तो वही लिख दिया बाकायदा। जानते हो आधा नंबर ससुर की देख पड़ा, तीस नंबर आया था का चाहे जान ले, तीस नंबर वैसा मिल गया, तीस नंबर प्रैक्टिकल मिल गया, साठ नंबर हो गया पास हो गया। मस्त है कि नहीं? तो ये तरीका अपनाए रखिए कि कभी छोड़ कर कुछ नहीं आना, लिखते रहेंगे तब मिलेगा। सादे पन्ने पे कौन देगा कि भैया देखो वाह क्या सुंदर लिख, क्या सुंदर कॉपी छोड़ा है लड़का, लाओ पांच नंबर दे दी, ऐसा होगा ना? ना 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 कबो नहीं कुछ। तो याद रखो कि नेवर लिव एनीथिंग, कौन ना छोड़ा क्या हुआ ना, ये दुनिया में एवरी बडी इज नॉट परफेक्ट इन द वर्ल्ड, कहूँ पूरा पूरा ना लिख पाओ, पूरे ऊपर हेडिंग बनाओ उसके बीच में भर दो, कोई दिक्कत भी ना आए, बीच में ना पढ़े जाता सर जी, ना तो बीच में तो चाहे गाना लिख दो पर ना दिखाई जाए झलक दिखला जाए, झलक दिखला जाए इसे दिखाया ना पड़े, पर इंग्लिश में लिख दोगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, टीचर परफेक्टली रूप से इसे देखता ना ये किठू, इतना ऊंच काफी चक्कर है, इतना ऊंच काफी चक्कर है, ऊपर से कितना जनिक देखिए बाबू, एक पॉइंट टू पॉइंट आगे देखते हैं और नेवर मिस स्टार्टर, तो वही होता है बाबू बस। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ये जो पॉइंट अगर अपना लिए तो जिंदगी में कभी भी कोई भी लिखित एग्जाम, दुनिया कोई भी लिखित एग्जाम अगर सिर्फ आप पढ़े हो, रिपीटेशन भले ही ना की हो, तो पास हो सकते हैं इस रूल से जो हम आपको बता दिए हैं। तो बीए चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर अच्छा लगा हो, अच्छा इतना मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगेगा क्यों नहीं लगेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, बेल आइकन दबाने से ये फायदा है रोज हम जो अपलोड करेंगे वीडियो इंपॉर्टेंट आपको मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए, सपोर्ट करिए, वी आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, बिकॉज हम बताए थे आपको इसको कब हटाना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, जब तक कब तक मांगेंगे भैया से, इसीलिए सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, आपका भाई आपका दोस्त आपका सर वाहिद जाफरी, जय हिंद जय हिंद।